अगर पीटीआई आपसे रब्ता करती है कि हम वापस आना चाहते हैं, तो आप उनको, आपको नहीं इंगेज करना चाहिए एक हुकूमत के तौर पे कि ठीक है आप आए असेंबली में दोबारा बैठे अपनी मुद्दत पूरी करें, असेंबली एक पीसफुल इन हाउस चेंज हुआ है, अगर वो चाहते हैं कल को वो तो हम एतमाद ले आए। मतलब बिल्कुल सही आप जो बात कह रही है, बिल्कुल मैं तो आप, उसे कौन इनकारी हो सकता तो है? प्राइम मिनिस्टर क्या उनसे कहेंगे इस बातों में? मैं कह रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर रहा हूँ, जो मैं आप खुद कह रहा हूँ कि जो आप बातें कह रही है तो ये आईनी बातें हैं, ये कानूनी बातें हैं। नेशनल असेंबली जो है या सेनेट जो है, ये पार्लियामेंट जो है, पाकिस्तान की आवाम है और इस ये फैसले का सबसे बड़ा जो है वो अदारा है। तो भाई साहब आप असेंबली की मुद्दत में भी तौसीह कर सकते हैं, जो चूंकि हम ये सुन रहे हैं मुक्तदर को, मतलब आपकी जो सियासी हल है कि असेंबली की मुद्दत की तौसी जो है ना, उस पर ना ही डिस्कशन की जाए तो बेहतर है। हमें जो हदूद कयूद जो इस वक्त आइन में डिफाइंड है उन्हीं में रहना चाहिए। अगर आइन किसी का इजाजत देता भी है किसी चीज की तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये अनयूजुअल चीजें हैं, ये फैसला आपने कर लिया है कि अगस्त 2023 तक ये हुकूमत जो है वो, देखिए ये सियासी फैसले जो होते हैं मुख्तलिफ हालात के जो है ना वो ताबे होती हैं। अगर हमें किसी वक्त बीच में महसूस होता है कि वी नीड टू गो बैक टू द अल्टीमेट सॉवरन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो हम डिसॉल्व करके पछले जाएंगे उनके पास। उसमें उस इलेक्शन में हम भी किस्मत आजमाएंगे, हमारे मुखालफीन भी किस्मत आजमाएंगे। अदरवाइज ये फैसला है कि हम ये इस वक्त फैसला ये है हमारे, हमने जो वोटर नो कॉन्फिडेंस पास किया है वो कहीं हमें माने नहीं करता इस बात के कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। हमारे ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है आईनी और अदरवाइज। हम ये फैसला जो है वो मैं जाती तौर पे ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने कहा था कि फैसला जो है कर लेना चाहिए और इलेक्शन कर लें, लेकिन अब जब ये प्रेशर क्रिएट किया गया है तो वी डोंट वांट टू सकम टू दिस प्रेशर। हम इस दबाव में आके फैसला नहीं करेंगे, फैसला हम अपनी मर्जी से करेंगे और हालात और वाकयात को देख के करेंगे। हमें मुश्किल फैसले भी करने पड़े हम करेंगे। हम जो है इस मुल्क का और इस रियासत का कैपिटल जो है वो सेव करेंगे, अगर उसके लिए हमें थोड़ा बहुत जो अपना पॉलिटिकल सियासी नुकसान भी करना पड़े।